हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं पालक आलू की मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। मसालेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने पालक धोकर के साफ कर ली है और आलू लिए हैं, टमाटर लिया है, प्याज लिए है और एक हरी मिर्च, दो आड़ी प्याज मैंने काटे हैं और एक डेढ़ टमाटर, दो टमाटर काटे हैं, छोटे छोटे दो टमाटर काटे और आलू उबले हुए हैं और पालक को मैंने धो करके साफ करके रख लिया। अब मैं पालक को महीन महीन काटूंगी। देखिए, पालक को एकदम महीन महीन काटना है, डंडियां हटा देनी है और पत्तों को महीन महीन काटना है। जितना महीन आप पालक काट सकते हैं उतना महीन पालक को काट लीजिए। देखिए, मैं पालक को काट रही हूँ और महीन महीन काटने हैं। देखिए, पालक को एकदम महीन महीन काट लिया, डंडियां बिल्कुल नहीं, पत्ते पत्ते जो हैं बिल्कुल मैंने पालक के महीन महीन काट लिए हैं। अब मैं ये कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई चढ़ाने पर तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो जाएगा, फिर इसमें जीरा डालेंगे। पालक की तो बहुत तरह से सब्जियां बनती हैं, पालक पनीर बनाइए, सादी सब्जी पालक की बनाइए, तो आज मैं ये मसालेदार पालक बना रही हूँ। आप किसी भी तरह की पालक की बहुत तरह की सब्जियां बनती हैं, तो इस पालक बना के दिखाते हैं। देखिए, तेल गरम हो गया है तो तेल में जीरा डालेंगे। जीरा डाला और हींग डाली, थोड़ा सा हींग डालने के बाद जीरा हमारा हो गया तो इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज को भी गोल्डन ब्राउन भून लेंगे। देखिए, प्याज भुनने लगा है, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च, मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, जितनी कड़वा आपको खाना हो। एक चम्मच धनिया पाउडर, चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक। पालक में थोड़ा नमक कम लगता है, पालक में नमक थोड़ा कम लगता है, आप अपने स्वाद अनुसार हल्के ही डालिए नमक थोड़ा। और जो मैंने टमाटर काट के रखे थे वो टमाटर भी इसी मसाले में डाल देंगे, तो टमाटर और मसाले, प्याज टमाटर मसाला हमारा सब पक जाए। ये टमाटर भी अब इसमें मैंने डाल दिए, अब टमाटर भी थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए पक जाएगा, इसको मैं ढक दूंगी। और इसमें जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो हरी मिर्च भी डाल देंगे, हरी मिर्च को भी डाल। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के टमाटर को अच्छे से पकाऊंगी। अभी हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। देखिए, मसाले, प्याज, टमाटर हमारा सब अच्छे से पक गया है, खूब अच्छे से पक गया, इसको मैंने चला दिया है और इसमें मैं आलू डालूंगी। जो आलू हमने काट के रखे थे वो आलू डाल देंगे। थोड़े से आलू को 2 मिनट चला लेंगे और फिर इसमें पालक डालेंगे, इसमें पालक को डाल देंगे। पालक को थोड़ा थोड़ा डाल करके और चलाते जाएंगे। पालक, आलू सब कुछ मैंने डाल दिया है, अब 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे जिससे पालक भी अच्छे से मिल जाए आपस में। देखिए, हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। पालक भी पक गए, आलू भी पक गए, टमाटर भी पक गए और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी। एक बार आप इस तरह से सब्जी जरूर बनाइएगा। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। देखिए, आपको यदि हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।